कैसा था आज का एग्जाम? इजी था, बस लेंथी था थोड़ा, 3 marks लेंथी थे, नहीं तो अच्छा था, इजी था। अच्छा, और आपने कितने PYQs लगाए थे? Yeah, most of the questions did come from PYQs, even the drawings. Okay, so diagram based questions ज़्यादा आए थे? Diagram based ज़्यादा questions? Yeah, diagram based, there were around 2-3 questions, yes, in my side. There were just 2 questions from my side for diagram. Okay. There was more of drawing diagrams more than diagram based questions. We got to draw diagrams more. ओके, सो आप ना एक चीज बताओ, आपने डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ किए थे या पेन से ड्रॉ किए थे? पेंसिल से, डायग्राम पेंसिल से। लेबलिंग आपने पेन से की थी या पेंसिल से? लेबलिंग भी पेंसिल से ही की थी, सब पूरा डायग्राम पेंसिल से ही हुआ था। तो जो बच्चे पूछ रहे थे ना, पेंसिल से करना होता है लेबलिंग या पेन से करना होता है, देख लो, पेंसिल से करना होता है, राइट? हाँ, पेंसिल, ठीक है। कैसा हुआ पेपर? अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा था। ओके, स्ट्रेटजी क्या थी आपकी पेपर के लिए? स्ट्रेटजी क्या थी? फर्स्ट मैं प्रीवियस ईयर के टॉपर से क्वेश्चन पेपर गो थ्रू किया, हाउ हाउ दे आंसर्ड, हाउ दे अटेंडेड द डायग्राम्स, हाउ वी शुड लेबल द डायग्राम्स, हाउ इन द व्हाट फॉर्मेट एंड टू इन व्हाट फॉर्मेट टू अट्रैक्ट द रीडर एज द आंसर, हाउ टू अटेंड इन अ परफेक्ट मैनर, एंड मेनली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है इन आंसरिंग द क्वेश्चन इन द परफेक्ट फॉर्म, इन अ नीट फॉर्म, इन आई डेवलपमेंट एंड डूइंग दैट मेन PYQs एंड लास्ट ईयर टॉपर्स पेपर। तो तुमको पेपर प्रेजेंटेशन में दिक्कत आता है कि आंसर को कैसे फ्रेम करें? अच्छा, ओके ओके, यू कैन बेटर इंप्रूव दैट फ्रॉम लास्ट ईयर टॉपर पेपर्स, आंसर पेपर्स। मेनी थिंग्स केम फ्रॉम द डीप टेक्स्ट बुक, मेनली वी शुड गो थ्रू रीड द टेक्स्ट बुक रादर देन गोइंग टू रेफरेंस बुक अदर थिंग्स। ठीक है, तो एक सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही आया था पेपर या एनसीईआरटी से ही? थोड़ा सा लाउड बोलो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ही आता है बायोलॉजी का पेपर, तो आपको वही करना है, ठीक है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क। एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट पेपर में? क्या आपके सबसे ज्यादा टाइम लगा या दिमाग लगाना पड़ा? पेपर वाज इजी, द कंप्लीट पेपर वाज इजी, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। कुछ और टिप्स आप देना चाहते हो बच्चों को जो देख रहे हैं, जो जिनका पेपर आज अच्छा नहीं हुआ है, क्या मोटिवेशन आपकी तरफ से? पहले से ही पढ़ाई करो। अच्छा, मौज मस्ती मत करो। मौज मस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुमने भी नहीं की थी? कितने घंटे पढ़ाई की थी? सच्ची सच्ची बताना। अच्छा, 7-8 hours. 15 hours. 7-8 hours. अच्छा जी, ओके, तो देख लो। और नया स्टार्ट मत करो एग्जाम के पहले। की पॉइंट ब्रो, नाइस, ये टिप बहुत अच्छी थी। मैंने कितना ही पढ़ा उतना ही रिवाइज किया। तो जो आपने पढ़ रखा है ना, उसी को रिवाइज करना है बार 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 बार, राइट? यस यस, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो हाउ वाज द पेपर टुडे? इट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाजंट सुपर इजी, बट इट वाज लाइक इफ यू स्टडी प्रॉपर्ली यू'ड बी एबल टू डू वेल। Okay. Yeah, it was easy, but there were some tricky questions here and there, especially with the case study question. Oh, so case study part was tricky. Yeah. So was that a new concept that CBSE introduced, or it has been there? I haven't come across it before, but it's not like I've been through every paper till now either, but it was a new kind of question. Yeah. Okay, so did you guys go through PYQs, and was the paper from PYQs? I haven't gone through PYQs. I just saw the sample paper and yeah. Okay, so how was the difficulty of the paper? No, like, it is a difficult paper, but but if you studied, you'd be able to do it. It's not like you can do everything from memory. If you have done everything once properly, then you'd be able to do it. It's a good level of paper. It's not like easy how probably chemistry was, but yeah. Okay, so chemistry was easy for you. Yeah, chemistry was easy, yeah. Okay. But like, we both are JMS aspirants, so like... But you're also taking biology. Yeah. Oh, that's fine, that's great. Okay, so what was like the most asked questions from which unit? Biotech? Yeah, genetics, biotech. Genetics and human diseases. No, genetics and biotech. Okay, yeah, biotech. That's the smallest unit, I guess. Yeah, no? Yeah, but it had quite a lot of questions. Biotech, you can have a lot of application-based questions, right? Like, yeah. Not directly from the textbook. Okay. And also, there was this one question, like, they ask a lot of questions from the examples. So, not directly from the theory, but from the examples given for each thing, they ask from there. So, everything was not from NCERT? No, it is from NCERT, but things you don't expect to come. Like in biotechnology, there is a diagram which are given as an example. They ask questions from that diagram. Okay. Yeah. So, like, you have to have the NCERT by heart to excel. Yeah, kind of. But also, it was just one question. So, like, the rest of it, you did have to understand and think a bit. Paper kaisa hua biology ka? It was good. It was good. Kaisa lengthy tha? Kaisa thick tha paper? No, it was not lengthy. It was, I finished before half an hour. And the questions were fairly good. Good questions. Okay. So, aapko kya lagta hai? Kaun se topic se zyada questions aaye the? Kaun se chapter se aaye the? Ecology, there were a few questions. And biotechnology and reproduction also, there were
quite a few questions. Okay. So diagrammatic based questions bhi aaye the, diagram based questions. Kitne questions aaye the? Diagram based as in graph based questions were there. Totally NCERT based or NCERT ke bahar bhi? Totally NCERT based. And application based also. Application based. Okay. So abhi kitna expect kar rahe ho aap? Kitne aa sakte marks aapke? I'm hoping for above 60 out of 70. Okay, that's very nice actually. So aapne PYQ solve kiye the? हाँ या इट्स ऑल अच्छा तो कितने उसमें से कितना परसेंटेज आया क्या लगता है वो कितने कॉन्सेप्ट उसमें से रिपीट हुए इट वाज दिस टाइम मोर ऑफ डीएनएल नॉट लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस दैट हैड कम मोर एंड इकोलॉजी आल्सो वाज इट वाज प्रीटी अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैड कम सो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए लास्ट ईयर के मतलब जो आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं कुछ सैंपल पेपर्स भी आपने लगाए होंगे सैंपल पेपर्स लगाए थे आपने हाँ हाँ ओके सो आपको मतलब क्या हेल्प की मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स में से कितने कॉन्सेप्ट्स किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए In general, most of the concepts only, like in reproduction, the diagrams and stuff and processes and yeah. Okay. So, आप अब बताओ ये एक मैसेज देना चाहते हो आप किसी अपने जूनियर्स को कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 11th से 12th में जा रहे हैं तो अब उनको पता नहीं है कि कैसे उनको स्ट्रैटेजी करनी चाहिए तो कैन यू जस्ट गिव सम टिप्स टू देम ओके सो दिस टाइम इट वॉज मोर ऑफ डिटेल बेस्ड इन NCERT सो लाइक रियली रियली स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इन NCERT सो आई थिंक स्टिक टू NCERT एंड यू विल बी फाइन Okay, so NCERT is the Bible book, right? NCERT, you have to follow. That's all. Biology ke liye to bas wahi hai. Thank you so much. Thanks a lot.